सागरे मोती कोटि चंद्र दिवाकर कोटि सूर्य प्रभाकर राज सम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी कनक कुंड संग हारे सोरी तभी जहरे मैया सोरी तभी जहरे मधु के तब दो मारे मधु के तब दो मारे सातों आठों पर्व के मौके पर बागेश्वर के विभिन्न स्थानों में भजन कीर्तन आयोजित कर महिलाओं ने डोर व दुबड़ा धारण किया। महिलाओं को सातों आठों पर्व की महत्ता के बारे में जानकारी देते हुए डोर तथा दुबड़ा धारण करने की पौराणिक महत्व की जानकारी दी गई। सातों आठों पर्व के आयोजन को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। ये पर्व संतान के लिए होता है सातों आठों, तभी इसमें शिव और गौरा की पूजा होती है, जिसमें दुर्वा अर्थात धूप जिसको कहते हैं, कभी इसका नाश नहीं होता, इससे वंश का नाश ना हो, इसीलिए संतान के लिए यह पर्व मनाया जाता है। ये आठों सात का पर्व जो हमारा लोक पर्व है, ये कुमाऊं का सबसे लोक पर्व है। ये गाँव घरों में सबसे ज्यादा मनाया जाता है, लेकिन शहरों में थोड़ा सा इसे शॉर्ट कट मनाया जाता है। और पहले दिन यहाँ पर गुड़ी पंचमी मनाई जाती है, जिसमें हम लोग गुड़े गाते हैं, और दूसरे दिन यहाँ पर को गौरा और महेश मनाए जाते हैं। फिर अभी सभी महिलाएं यहाँ पर को आठों सात की पूजा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि जैसे किसी की संतान न हो तो इस व्रत को करने से उसे संतान प्राप्त होती है। और यहाँ पर दुर्गे की पूजा की जाती है, और यहाँ पर को जो डोर होता है हाथ में डोर बांधे जाते हैं सातों को, और आठों को गले वाला डोर बांधा जाता है। ये हमारा लोक पर्व है, और गाँव घर में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वहाँ के लोग तो यहाँ पे इसमें झूला चांदी लगाते हैं और नए कपड़े बनाते हैं। वो काफी लंबे टाइम तक इसको रखते हैं, एक हफ्ते तक मनाते हैं इसे। वो रात को यहाँ पर को खेल करते हैं अपने, यहाँ पर जो गौरा महेश के यहाँ पर जो उनका आंगन होते हैं वहाँ पर वो खेल लगाते हैं। वहाँ पर को मतलब एक हफ्ते तक इसको मनाते हैं त्योहार। इसकी कहानी ये है कि दुर्गा अष्टमी हुई आज, दुर्गा अष्टमी की खास कर दी ये हुआ, इसको हम मनाती है। एक बिरू डालने की प्रथा है शुरू से, पंचमी के दिन हम बिरू डालते हैं, तो वो पंच बिरूड़ी डाल के डालते हैं उसमें भिगाने के लिए, उसकी वजह संबंध में वो है। और उसके बाद जो है अष्टमी के दिन हम ये पूजा करते हैं इसकी। उसके बाद ये कहानी कहते हैं, इसमें मृभाट का राजा था, उसमें जो है ये उसकी सात बहुएं थी, सात बेटे थे। बहू से कहा बिरू डालो, बहुए करके उन्होंने नहाया धुलाया तो मुख में एक बिरू डाल दिया, उन्होंने बिरू सा दिया तो बहू से कहा ये तो बेकार है, छोटी बड़ी बहू। फिर दूसरी से कहा यही, तीसरी से कहते कहते पांच छह बहू से यही कहा, सातवीं बहू से वो जो थी बहुत सीधी सादी थी, वो खर्ग में डाली थी, वहाँ गाय के साथ भेजी थी, वहाँ से उसको बुलाया। ससुर जी बुलाने गए और उसका पति भेजा, पति बुलाने गया तो लाया साथ में, उससे कहा तू ये बुलाया। बहू वो डर गई, ससुर जी गए बुलाने। वो ससुर जी क्यों आ रहे लाठी लेके मुझे मारने के लिए करके सोची, उसने भागने लगी। उसने कहा बहू मैं तुझे मारने नहीं आई हूँ, घर में पूजा करनी है, बुरू डालने हैं, तो घर में आया। तो फिर डर डर के आए घर आए, उसने नहाया धोया पांच, उसने अंदर लिपाई पुताई करी, पांच दिशाओं में पांच दिए जलाए, फिर पंचमी रूढ़ी रोजी
तो वो भिगाने डाला, उसके बाद जो है ये पंचगिरुड़ी का महात्म्य ये है। और एक फिर बहू का बच्चा हुआ, साल भर में जब बच्चा हुआ तो छह बहू के कोई औलाद नहीं थी, सातवीं बहू के औलाद हुई तो उसमें भी बहू सब बहू लोग जल गए। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि इसको हम अगर ये इसका बच्चा जी रहेगा तो ये हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी और इसको राजपद मिल जाएगा हमको कितोर मंदिर। उन्होंने क्या करा, वो बच्चे को पकड़ा, उससे कहा तुझे तेरे मायके वाले बुला रहे थे, तो वहाँ पापा बीमार हैं, माँ कह रही तुरंत आ जाओ, तो वहाँ मायके भेज दिया उसको। बच्चे को उन्होंने एक सूखा हुआ कुआ जो था उसमें डाल दिया, सूखे कुएं में डाल दिया, तो वहाँ से वो आई। उसकी माँ ने कहा बेटा तू क्यों आई, तेरा तो बच्चा हो रहा। उसने कहा माँ सास ससुर ने सबने ऐसा ऐसा कहा, तो मैं कब चली आई। उसने कहा कुछ ना कुछ तुम्हारे घर वालों ने तेरे लिए षड्यंत्र रच रखा, तू जा खीर बनाई माँ ने खाने के लिए, तो खीर खराब हो गई, उसमें कीड़े हो गए। उसने कहा तुरंत जा, सरसों दिया जो दिया उसको, तू आगे को जाते रहना, पीछे को इसको बोते जाना, आगे को निकल के जाना, जहाँ जहाँ पानी के धारे हुए नल होंगे वहाँ पर तू अपने स्तंभ को धोते रहना। ये कहा तो उसने वही किया कि सूखा कुआ था वहाँ पानी डब डब भरा हुआ था, वहाँ एक बच्चा खेल रहा था। उसके बाद उसने वहाँ वो स्तंभ धोए तो वो बच्चे ने ये दूबा पकड़ा गले का, बच्चा सीधे अपनी माँ की गोद में आ गया स्तंभ पीने में। इसकी वजह से हम ये कथा मनाते हैं। वही हम ये सातवें के दिन हम वो लाते हैं डाई पेड़, ये लाते हैं तो उससे हम गौरी महेश्वर बनाते हैं, गौरी महेश्वर बना के हम इसकी पूजा करते हैं। मैं सात आठवीं पर्व पर सभी प्रदेशवासी को, राज्यवासी को, जिलावासी को, सभी नगरवासी को सातों आठों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आप सभी के घरों में सुख आए, खुश आ जाए और सभी का अटल सुहाग रहे। हम अटल सुहाग के लिए यह व्रत करते हैं, पंच सातों और आठों का व्रत रखते हैं और आप सभी को, नगरवासी को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। CGN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।